वो भी एक पॉजिटिव ते मोटिवेशनल चीज़ ही, ये भी एक पॉजिटिव ते मोटिवेशनल चीज़ आ। दैट्स वाई मैं सोचा कि उन्हें तुणका तुणका ना शुरू किया जाए। जो मैं पहला गाना भी किया भी हटके किया, उदों भी यही मैनू सवाल पूछे गए सी। लगभग तो आई थिंक सारे करते हैं, अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके करते हैं। सोशल मीडिया से टाइम स्पेंड करना एक हार्डवर्क अज के समय से मैं लगता, मेरे तो वो नहीं होंगे। होश तो मैं उस तो बाद आया, वो 6 महीनों तो बाद मैं होश आया भी जो खाना पीना शुरू किया। तो बेचारे वो भी डर गए है ना, मन तो दुखी होंगे ही आ जो तुम अपने बच्चे उस रूप से देखते हो। ताही उन्होंने कहा भी अगे तो काम नहीं करना, कुछ होर है नहीं सी। थॉट आया कि क्यों ना फेस्टिवल्स भेजी जाए, अलग अलग फेस्टिवल्स असी भेजी, वो पूरा साल असी फेस्टिवल्स भेजते रहे फिल्म पर। फाइनली लॉकडाउन तो बाद सिनेमा जिहड़े ने ओपन हो चुके ने, ते सिनेमा प्रेमियों के लिए गुड न्यूज़ ये आ कि 5 अगस्त नूं जिहड़ी आ फिल्म रिलीज़ हो जा रही है तुनका तुनका। ते फिल्म के एक्टर ते प्रोड्यूसर इस टाइम मेरे नाल मौजूद आ, गलबात कर लेने उन्हां दे नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला असर नाम की गल कर लेने, क्योंकि 2015 दे विच जदों तुहाडा सोंग आया सी ठोकर, तो लोगों ने मोस्टली उस सोंग नूं तुनका तुनका नाम के नाल ही जाने, तुसीं हमेशा उस दे उपर गल कीती आ, कि उही रीज़न रहा सी इस फिल्म का उही नाम रखण दा? बिल्कुल उही रीज़न सीगा जी, क्योंकि असल जी टाइटल तो वह ठोकर सी गाने का, पर लोग जदों मैं पुछते सी मेरे ने गल करते होंगे सी, कोई भी आपस भी करते सी, उन्हें तुणका तुणका कहते होंगे सी। वो भी मेरी शुरुआत सी, ये भी मेरी शुरुआत आ, वो भी एक पॉजिटिव ते मोटिवेशनल चीज़ सी, ये भी एक पॉजिटिव ते मोटिवेशनल चीज़ आ। दैट्स वाई मैं सोचा कि उन्हें तुणका तुणका ना शुरू किया जाए। सो इदा का कंसैप्ट लैके आना इंडस्ट्री के कितना चैलेंजिंग सी इस चीज़ को चूज़ करना, क्योंकि जिस तरह की फिल्म आ रही इंडस्ट्री के ज़्यादा कॉमेडी फिल्मों ही पसंद किया जा रहा है, जे कच्चे घरों लैके फिल्म आ रही तो कंटीन्यूअसली उदा दी फिल्म आ रही, बिल्कुल हटके कंसैप्ट जिन्हां फिल्मां हुण तक रिलीज़ हो चुकी ने? जदों मैं पहला गाना भी किया भी हटके किया, उदों भी यही मैनू सवाल पूछे गए सी भी आम तो गोलियां बंदूकों वाले या दूजे गाने चकमे चलते, तुसीं ये क्यों किया? मन नूं लगण दी चीज़ हुंदी है, कुछ अलग करन दी चीज़ हुंदी है ना, वो थोड़ा नेचर हुंदा, मेरा नहीं हैगा नेचर नॉर्मल या सौखे तरीके कुछ करन वाला। दैट्स वाई ये चूज़ किया। बिल्कुल, जिवें कि तुसीं दस्सिया ना, दे विच तुसीं वेट लूज़ किया, फिर तुसीं है ना उस लुक दे विच दोबारा वापस आए, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा उस चीज़ नूं करना। कई बार कुछ एक्टर्स ये चीज़ सोच लेंदे ने कि नहीं, बड़ा हार्ड वर्क करना पएगा एक ही प्रोजेक्ट के उपर, चाहे उन्ने टाइम आप 2-3 होर कर सकते हैं, बट तुसीं स्टिल एक प्रोजेक्ट नूं चूज़ किया, तो उपर इन्नी ज़्यादा मेहनत की, जर्नी किवें दी रही पूरी? हार्डवर्क तो आई थिंक सारे करते हैं, अपनी अपनी जगह अपने अपने तरीके करते हैं। सोशल मीडिया से टाइम स्पेंड करना एक हार्डवर्क अज के समय से मैं लगता, मेरे तो वो नहीं होंगे। मैं जिहड़े जिहड़े तरीके मैं कर सकदा मैं अपने तरीके करदा, बाकी आर्टिस्ट जिन्हों जिहड़ा तरीका सही लगता उवें करदे आ। जर्नी बड़ी लर्निंग रही एक्चुअली, क्योंकि फिल्म मेकिंग साढ़े लिए पहली बारी सी, असी फिल्म मेकिंग च पए सी, चाहे मैं एज प्रोड्यूसर सी, चाहे एक्टर सी, चाहे स्क्रीन प्ले लिखिया सीगा, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सी, ते लर्निंग एक्सपीरियंस सी, बहुत कुछ सीखा, बड़ा मज़ा आया। मैं कहिए मेहनत तो चलो होंगी है, हरेक काम च होंगी है। सो तुसी जो वेट लूज़ किया तो हर एक चीज़ तुसी छड्या है ना खान, तो उस टाइम के दौरान किवें तुसी कि डिफिकल्टीज़ में फेस किया, जिवें तुसी दस रहे सी बीपी लो जाता सी, उठिया नहीं सी जाता, उस टाइम तो की चलता सी माइंड दे विच? कुछ नहीं सी चलता, हौच पौच सी, काम ब्लैंक जिहा सीगा, क्योंकि जो तुसी इदां दी हालात च होंदे ना तुहाडा दिमाग काम नहीं करता। जिहड़ा उह स्केड्यूल सीगा 2017 च असी लाया, उदों माइंड ब्लैंक सी मेरा, जस्ट सैट ते जांदा सी, शूट करदा सी, आ जांदा सी, दैट्स इट। क्योंकि वह औखा चीज़ औखी चीज़ हो जाती है, तुसी खेजण जी लग जांदे हो, गुस्सा आउण लग जांदा तुहानूं जदों भुखे हुंदे हो। सो होश तो मैनूं उस तो बाद आया, वो 6 महीनों तो बाद मैनूं होश आया भी जदों खाना पीना शुरू किया कि हाँ जिंदगी हैगी है। हाँ जी। सो फैमिली दा किवें दा रिएक्शन सी तुहाडी उस लुक नूं देख के, जिते तुसी बहुत सारा वेट आ लूज़ किया होया? फैमिली का ओबियसली गल है, जो पहले दिन मैं शूट करके घर पहुँचा तो वो शेव्ड सी मेरा फेस, आईब्रोज, बाल वगैरह, वो बेचारे वो भी डर गए है ना, मन तो दुखी होंगे ही आ जो तुम अपने बच्चे उस रूप से देखते हो। मैं नहीं अपने आप को देख पाँदा सी, उन्होंने कितने देख पाना। सो ओबियसली गल आ, बड़ा हार्ड सी उन्होंने भी, बहुत हार्ड सी, ता ही उन्होंने कहा भी अगे तो काम नहीं करना इदा दा। सो इस तो अगे कुछ इदा दा लैके आंदा सोचा कि फिर कुछ करोगे वर्क इदा दे किसी प्रोजेक्ट ते? नहीं, हजे सोचा कुछ नहीं हैगा जी, बाला लंबा मैं सोचता नहीं हैगा, जदों कुछ बनना शुरू होना आप ही हो जाना। बस इन्नी गल आ भी जे ये नॉर्मल या इन्नी सौखी नहीं बनी तो इस तो अगला भी कोई भी प्रोजेक्ट हो नॉर्मल या सौखा नहीं बनूगा। सो कोई मैमरी ऑन सैट जो तुसी ऑडियंस नाल शेयर करना चाहो? मैमरी जदों मेरा उही पहला वाला स्केड्यूल सी 2017 वाला, वो मैमरी यही सी भी मैं बैठा रहिंदा हुंदा सीगा,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੂਟ ਸੀ ਉਦਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਦਾਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁਰਕੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਗਰੋ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਨਰ, ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 7 ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2019 ਸ਼ੂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, 20 'ਚ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਸਟੀਵਲਸ 'ਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੈਸਟੀਵਲਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਫਿਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 7 ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਬਣਾਈਏ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਡੀਅੰਸ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।